भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को एक उम्मीद थी कि सीएस यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स उनकी अपील सुन लेगा और सिल्वर मेडल दे दिया जाएगा, जो उन्होंने 6 अगस्त को सेमीफाइनल का मैच जीतकर अपने नाम किया था। लेकिन फाइनल से पहले 100 ग्राम ओवरवेट होने के चलते ओलंपिक से डिस्क्वालिफाई हो गई थी। खैर, अब सीएस ने 19 अगस्त को फैसले की एक बड़ी सी रिपोर्ट जारी कर दी है। सीएस की ये फैसले की रिपोर्ट 24 पेज की है, जिसमें सीएस की कार्यवाही शामिल है। अपनी अपील में विनेश ने कई दलीलें दी, जिसमें से कुछ तो काफी मजबूत थी, उसके बावजूद उनकी अपील खारिज कर दी गई। विनेश ने अपनी दलील में कहा कि पहली बार उनका वजन सही था और उन्होंने सेमीफाइनल जीतकर सिल्वर मेडल पक्का किया था, जबकि दूसरी बार के माप में उनका वजन ज्यादा पाया गया। ऐसे में उनके पिछले 3 मैचों के नतीजों को रद्द नहीं करना चाहिए, इस कारण से वो सिल्वर मेडल की दावेदार हैं। वो इवेंट की सभी रैंकिंग, पॉइंट्स और स्कोर की भी हकदार हैं। इस पर सीएस ने जवाब दिया कि ये तर्कपूर्ण बात है, लेकिन नियम ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। नियमों में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर उल्लंघन होता है तो बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में सीएस फेडरेशन के नियमों को नए सिरे से नहीं लिख सकता। एप्लीकेशन में विनेश ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट देकर बताया कि 8 अगस्त को वो पीरियड से पहले प्री मेंस्ट्रुअल फेज में थी, इससे शरीर के वजन पर असर पड़ता है। दलील में कहा गया कि पुरुष और महिला के शरीर में अंतर होता है, ऐसे में दूसरे दिन के वजन के दौरान इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर सीएस ने जवाब दिया, पुरुष और महिला एथलीट के शरीर में अंतर के नतीजों का कोई सबूत नहीं दिया गया। विनेश ने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी को चुनौती नहीं दी है। शरीर में अंतर के असर की बात कहना काल्पनिक है और इसके पक्ष में कोई सबूत नहीं है। विनेश की एक दलील ये थी कि वेट मशीन खराब थी, खाली मशीन भी 50 ग्राम वेट दिखा रही थी। इस पर सीएस ने साफ कहा कि अगर ऐसा है तो भी इसका मतलब विनेश का वेट 50 ग्राम तो ज्यादा था ही, जो लिमिट से ज्यादा था। पहलवान की तरफ से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW का आर्टिकल 8 का हवाला भी दिया गया, जो एथलीट्स को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में 2 किलो वजन तक की छूट देता है। सीएस ने अपने फैसले की रिपोर्ट में साफ कहा कि आर्टिकल 8 में ओलंपिक गेम्स को इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शामिल नहीं किया गया है। बहरहाल, अब ये साफ हो गया है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का मेडल जीतने का सपना अधूरा ही रह गया है। हालांकि जब वो दिल्ली पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले उन्होंने अपने फैंस और करीबियों को समर्थन के लिए थैंक यू लेटर भी लिखा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।